हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द चैनल जेनी ट्यूटोरियल फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी ऑफ ट्रेगा कैंथ ट्रेगा कैंथ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग ड्रग है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसका सिनोनिम क्या है बायोलॉजिकल सोर्स क्या है मॉर्फोलॉजी केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं ट्रेगा कैंथ के अंदर उसके बाद केमिकल टेस्ट एंड यूजेज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो so, सबसे पहले डिस्कस करते हैं ट्रेगा कैंथ का सिनोनिम क्या है बायोलॉजिकल सोर्स क्या है एंड फैमिली क्या है सो सिनोनिम ऑफ ट्रेगा कैंथ गम ट्रेगा कैंथ गम ड्रैगन एटसेट्रा बायोलॉजिकल सोर्स क्या है ट्रेगा कैंथ का इट इज द एयर ड्राइड गमी एक्जुडेट फ्लोइंग नेचुरली एंड ऑबटेन बाय इनसीजन फ्रॉम स्टेम एंड ब्रांचेज सो ट्रेगा कैंथ एक तरह से एयर ड्राइड गमी एक्जुडेट हैं और ये नेचुरली फ्लो होता रहता है ऑप्टेन बाई इंसीजन फ्राम स्टेम एंड ब्रांचेज जब भी हम स्टेम और ब्रांचज पे यानी जो ट्री की स्टेम्स और ब्रांचेज होती हैं उस पर अगर हम इंसीजन करते हैं तो ये जो गमी पार्ट होता है ये नेचुरली फ्लो होता रहता है फ्लोइंग नेचुरली और किससे ऑप्टेन होता है ऑप्टेन बाई इंसीजन फ्रॉम स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ एस्ट्रेगलस गमी फेयर एंड सर्टेन स्पिस ऑफ एस्ट्रेगल्स सो so, ये एस्ट्रेगलेस स्पेसीज से ऑप्टेन होता है और उससे रिलेटेड जितने भी एस्ट्रेगलेस से रिलेटेड स्पेसीज हैं उनसे ऑप्टेन होता है नाउ फैमिली क्या है ट्रेगा केंद की लेग्योमिनोसी नेक्स्ट पॉइंट है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है ट्रेगा केंद की क्या उसका कलर है ऑर्डर है टेस्ट है या फिर शेप एंड साइज और अपेयरेंस क्या है ट्रेगा का सो so, कलर है ट्रेका का द फ्लेक्स आर वाइट और पेल येलोइ वाइट तो यहाँ पे जो ट्रेगा कैंथ है वो नेचुरली फ्लो होता रहता है और फ्लेक्स की फॉर्म में होता है तो जो फ्लेक्स का कलर है वो कैसा है वाइट है या फिर पेल येलोइश वाइट है और इसकी ऑर्डर जो है वो ऑर्डरलेस है टेस्ट इसका म्यूसिलेजिनस है यानी ये थोड़ा सा चिपचिपा होता है शेप एंड साइज की बात करें कि जो ट्रेगा कैंथ है उसकी क्या शेप है ट्रेगा कैंथ अकर्स इन द फॉर्म ऑफ रिबन और फ्लेक्स ये जो ट्रेगा कैंथ है ये फ्लेक्स की फॉर्म में होता है या फिर रिबिन की फॉर्म में होता है जब भी ट्रेगा कैंथ के ट्री पे या स्टेम या फिर ब्रांचेस पे जब हम इंसीजन करते हैं तो ये नेचुरली फ्लो होता रहता है फ्लो होने के बाद जब एयर के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये ड्राई हो जाता है और फ्लेक्स की फॉर्म में या फिर रिबिन की फॉर्म में हो जाता है ये अपेरेंस कैसा है ट्रेगा कैंथ के जो फ्लेक्स होते हैं या फिर रिबिन होते हैं उनका ट्रांसल्यूसेंट होता है ये ये अपीयरेंस में थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट होता है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट्स ट्रेगा के अंदर कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट्स प्रेजेंट होते हैं ट्रेगा कैंथ कंप्राइजेज ऑफ टू वाइटल फ्रैक्शन सो ट्रेगा के अंदर दो फ्रैक्शन होते हैं एक होता है वाटर सोल्यूबल दूसरा होता है वाटर इन सो फर्स्ट है वाटर सोल्यूबल फ्रैक्शन कौन सा है वाटर सोल्यूबल फ्रैक्शन जो है वो है ट्रेगा कैंथीन वाटर सोल्यूबल है और वाटर इन जो फ्रैक्शन होता है वो है बेसोरिन उसके बाद यहाँ पे एक नोट है कि दोनों जो फ्रैक्शन हैं वो दोनों ही एल्कोहल के अंदर सोल्यूबल नहीं होते हैं बोथ आर नॉट सॉल्यूबल इन एल्कोहल बेसोरिन एक्चुअली गेट स्वेल्ड अप इन वाटर टू फॉर्म जेल वेर इज ट्रेगा कैंथिन फॉर्म्स एन इंस्टेंट कोलोइल सॉल्यूशन सो so, यहाँ पे जो बेसोरीन है जो कि वाटर इन फ्रैक्शन है ये क्या करता है स्वेलअप हो जाता है वाटर के कॉन्टेक्ट में आने के बाद और ये जेल बनाता है जबकि ट्रेगा कैंथीन क्या करता है ट्रेगा कैंथीन फॉर्म्स एन इंस्टेंट कोलोइल सॉल्यूशन ट्रेगा कैंथीन

ट्रेगा एसिड ऑन हाइड्रोलिस ईल्स गैलेक्टोज जाइलोज एंड गैलेक्ट यूरोनिक एसिड जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या प्राप्त होता है गैलेक्टोज जाइलोज एंड गैलेक्ट यूरोनिक एसिड मिलता है ट्रेगा कंटेन नो मिथॉक्सिल ग्रुप्स बट बेसोरिन फ्रैक्शन कंप्राइज अप्रॉक्सीमेटली फाइव पॉइंट थ्री एट परसेंट मिथॉक्सिल मोइटीज तो ट्रेगा कैंथीन यहाँ पर हमने बात की थी कि ट्रेगा कैंथ के अंदर दो फ्रैक्शन प्रेजेंट होते हैं एक वाटर सोल्यूबल दूसरा वाटर इन्ल्यूबल जो वाटर सोल्यूबल प्रेजेंट होता है ट्रेगा कैंथिन फ्रैक्शन इसके अंदर मिथॉक्सिल ग्रुप नहीं होता है लेकिन जो वाटर इन्सॉल्यूबल बेसोरिन फ्रैक्शन है ये किससे बना होता है इसके अंदर मिथॉक्सिल मोइटी प्रेजेंट होती है ये जो मिथॉक्सिल मोइटी है ये अप्रॉक्सीमेटली फाइव पॉइंट थ्री एट परसेंट होती हैं अब हम बात करते हैं केमिकल टेस्ट के बारे में सो केमिकल टेस्ट क्या क्या हैं ट्रेगा के फर्स्ट है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ट्रेगा कैंथ जब एक्वस सॉल्यूशन होता है ट्रेगा कैंथ का उसको हम बॉईल करते हैं कॉन्सनट्रेटेड एच के साथ जब हम ट्रेगा कैंथ को एच के साथ बॉईल करेंगे तो क्या होगा नो रेड कलर डेवलप यानी कोई भी रेड कलर डेवलप नहीं होगा सेकंड टेस्ट है डो नॉट प्रोड्यूस रेड कलर विथ रुथेनियम रेड सोल्यूशन ट्रेगा जो है वो रूथेनियम रेड सॉल्यूशन के साथ कोई कलर रिएक्शन नहीं शो करता है कोई रेड कलर शो नहीं करता है नेक्स्ट टेस्ट है ट्रेगा कैंथ ट्रेगा कैंथ को जब हम बॉईल करते हैं ड्रॉप ऑफ एफ ई सी एल थ्री यानी फेरिक्लोराइड की ड्रॉप उसके अंदर हम ऐड करेंगे और फेरिक फेरिक क्लोराइड जो है वो टेन परसेंट वेट बाई वॉल्यूम है ट्रेगा कैंथ को बॉयल करेंगे और साथ ही साथ फेरिक क्लोराइड हम उसके अंदर मिलाएंगे कुछ ड्रॉप्स तो क्या होगा प्रोड्यूस डीप येलो प्रेसिपिटेट तो ये डीप येलो प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करेगा शो करेगा और कौन कौन से टेस्ट हैं नेक्स्ट टेस्ट है विथ लेड एसीटेट इट गिव्स अ हैवी प्रेसिपिटेट सो ट्रेगा कैंथ जो है वो लेड एसीटेट के साथ हैवी प्रेसिपिटेट शो करता है प्रोड्यूस करता है उसके बाद हम बात करते हैं यूजेस ऑफ ट्रेगा कैंथ ट्रेगा कैंथ के क्या क्या यूजेस हैं सो फर्स्ट यूज हैं यूजड एज जो ट्रेगा कैंथ है वो कहाँ यूज़ हो रहा है एज अ डिम्यूलसेंट इन कफ एंड कोल्ड प्रिपरेशंसो कफ एंड कोल्ड प्रिपरेशन की फार्मोलेशन के अंदर डिम्युलसेंट एज अ डिम्युलसेंट ट्रेगा कैंथ यूज़ होता है सेकेंड है यूज एज एन इमोलियंट इन कॉस्मेटिक यानी जो कॉस्मेटिक प्रपरेशन है उनकी फार्मोलेशन में भी ट्रेगा कैंथ यूज़ होता है एजो एज एन इमोलियंट यूज एज थनिंग सस्पेंडिंग एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट नेक्स्ट है बाइंडिंग एजेंट इन टेबलेट्स एंड एज एन एक्सीपियट इन द पिल्स यानी जो ट्रेगा कैंथ है ये टेबलेट के अंदर जब हम टेबलेट की फार्मूलेशन करते हैं तो उसके लिए बाइंडिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है टेबलेट की फार्मोलेशन में साथ ही साथ ये एक्सीपिय की तरह यूज़ होता है जब भी हम टेबलेट बनाते हैं या फिर पिल्स बनाते हैं तो उसकी फॉर्मूलेशन के अंदर ये एज अ एक्सीपेंट भी यूज़ होता है और बाइंडिंग एजेंट की तरह भी ट्रेगा कैंट यूज़ होता है नेक्स्ट है पाउडर इज़ यूज एज एडेसिव जो ट्रेगा कैंत का पाउडर है वो एडेसिव की तरह यूज़ होता है स्टेबिलाइज़र फॉर आइसक्रीम आइसक्रीम की फॉर्मूलेशन के लिए उसके अंदर उसको स्टेबिलाइज़ करने के लिए लॉन्ग टाइम स्टेबिलाइज करने के लिए एज अ स्टेबिलाइज़र ट्रेगा कैंट यूज़ होता है आइसक्रीम के लिए सो so फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने बात किया ट्रिगर केंद्र के बारे में उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो